world recognition you received in Arasi Advisors Private Limited. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सलमान अरबी, मैं अराजी एडवाइजर्स में एज ए सीनियर मैनेजर कंप्लायंस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पिछले एक से सवा एक साल हो चुका हुआ, मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने मेरी सबसे बड़ी रिकग्निशन अगर मैं अपने आप को देखता हूँ, अपने कैरियर को सामने रखते हुए ये चीज़ों को एनालाइज करता हूँ, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्पीडी ग्रोथ मिली है पिछले एक से सवा एक साल में। लाइक मैं यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था अराजी एडवाइजर्स में एज ए एच आर मैनेजर, मैनेजर एच आर ऑपरेशंस की पोजीशन पे, बट अल्हम्दुलिल्लाह करंटली जो है मैं प्रमोट होके एज ए सीनियर मैनेजर कंप्लाइंस जो है वो यहाँ पे अपनी ड्यूटीज जो है वो परफॉर्म कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मच सैटिस्फाइड हियर। डू यू फील दैट यू आर एडवांसिंग इन योर करियर व्हाइल वर्किंग विद अराजी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कैरियर एडवांसमेंट मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि फर्स्टली तो रियल स्टेट इंडस्ट्री इटसेल्फ और रियल स्टेट इंडस्ट्री में जाके अराजी एडवाइजर्स में इस बड़े प्लेटफॉर्म पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं चीज़ों को कैरियर रिलेटेड होके इस तरह से देख रहा हूँ कि यहाँ पे डे टू डे बेसिस पे हम लोग चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, हम लोगों की स्टडी इतनी ज़्यादा डीप एंड मतलब डेप्थ में चली गई हुई है कि हम लोगों को अगर फ्रॉम लैंड एक्विजिशन, प्रोजेक्ट एक्विजिशन से लेकर प्रोजेक्ट की सेलिंग तक हमने सारी नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने से लेकर अल्टीमेट कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अचीव करने तक अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ को हम डिटेल्ड और बड़ा थॉरली हम लोग चीज़ों को स्टडी करते हुए कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उसको वो चीज़ ला के प्रेजेंट करते हैं मार्केट में, तो जिसके पीछे हम कम्प्लीटली प्राउड फील कर रहे होते हैं। डे टू डे बेसिस पे हमारी प्रोग्रेस जो है वो एनालाइज हो रही होती है। What do you wanna say about Arasi Advisors Private Limited corporate culture? Arasi Advisors का जो corporate culture है, ठीक है, फर्स्टली तो इसमें एज वी सीईओ स्पीक्स के हम लोग यहाँ पे किसी किस्म का कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट ऑब्जर्व नहीं करते फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है, कम्प्लीटली नॉन टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, बड़ी टाइम फ्रेंडली मैनेजमेंट है यहाँ पे, एम्प्लॉयज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फाइड हैं बीइंग फ्रॉम एचआर एंड टू उनके जो अपने सर्विसेज का लेवल है वो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें परफॉर्मेंस इस लिहाज से हमारे सामने आती हैं कि हमें अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन उनकी नज़र आ जाती है, ठीक है। मोर ओवर एज कम्पेयर टू द अदर कंपनीज, अगर हम इंडस्ट्री में रहते हुए अगर हम अदर कंपनीज की बात करें तो वहाँ पे सिस्टम बेस्ड एम्प्लॉयज़ के ऊपर ऐसे ऐसे चेक्स लगे हुए हैं कि जहाँ पे हर स्टेप पे वो अपने आप को पैनिक सिचुएशन में ले जाते हैं एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल्स, बट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम लोगों ने माहौल ही ऐसा क्रिएट किया हुआ है, जिस तरह की मैंने बात की नॉन टॉक्सिक एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट ही हम लोगों ने ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि हर बंदा उस चीज़ को अल्टीमेटली एक तो फ्रूटफुल कंसिडर करता है इन द लॉन्गर रन और उसी की बेस पे उसी परस्पेक्टिव में चीज़ों को इस तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं कि हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी ओन पे ओन कर रहा होता है, रिगार्डलेस कि कंपनी का 9 to 5 जॉब एंड ऑल डेट, इस तरह की वो सिचुएशन से बाहर, मेंटली सिचुएशन से बाहर निकल के चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं बड़ी कम्फर्टेबल मैनर में। How do you see Mr. CEO Hasan Idris as a leader? जैसा आपने क्वेश्चन किया मिस्टर सीईओ के बारे में, मिस्टर मोहम्मद हसन इदरीस, ठीक है, उनके बारे में मेरी आई ट्रूली बिलीव के वो एक ऐसे लीडर हैं जिनमें मुझे वाकई ही लीडर की डेफिनेशन नज़र आती है। लाइक मैं एक ही चीज़ को लेके चल रहा था जिंदगी में कि लीडर, अ लीडर हु इज़ अ लीडर, ठीक है, हु सिंपली नोज द वेज, हु सिंपली शोज द वेज एंड हु सिंपली गोज द वेज। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एज अ मेंटर, एज अ लीडर मिस्टर हसन इदरीस को इस तरह से देख रहा हूँ कि हकीकत में मुझे ये जो मैंने डिफाइन किया लीडर को, तो मुझे उनमें ये तीनों क्वालिटीज़ नज़र आती हैं।